इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक दुर्वा का पाठ 15, जिसका शीर्षक है फर्श पर। ये एक कविता है। बच्चों, कई बार हम कुछ चीजों पर ध्यान ही नहीं देते कि वो वास्तव में हमारे जीवन का अहम हिस्सा होती हैं, और ऐसी ही चीज का नाम है हमारे घर का फर्श। ये देखो, हमारे पूरे घर का सामान इसी पर टिका होता है। बच्चे इसी पर बैठकर अपनी पसंद के कुछ खेल खेलते हैं। आपने भी ऐसे जरूर खेला होगा ना? तो बताओ बच्चों, फर्श पर बैठकर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। फर्श पर बैठकर हम खाना खाते हैं, सुंदर सुंदर रंगोली बनाते हैं, कभी योगा करते हैं, करते हो ना? तो ये सब काम करने की वजह से फर्श पर कुछ न कुछ बिखर जाता है, जिससे हमारा फर्श गंदा हो जाता है। तो हम रोज इसकी साफ सफाई करते हैं और फिर अगले दिन वही हमारे रोजमर्रा के काम फिर से करते हैं ना हम ऐसा? आपने अपने घर में जरूर देखा होगा। तो बच्चों, हमारी आज की कविता में भी कवयित्री निर्मला गर्ग ने हमारे जीवन में फर्श का क्या महत्व है उसी को बताया है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले कविता का सहस्वर पठन कर लेते हैं। चिड़िया आती है डाल जाती तिनके फर्श पर, हवा आती है बिखेर जाती धूल फर्श पर, सूरज आता है सजा जाता चिंदियां फर्श पर, मुन्ना आता है उलट देता कटोरी फर्श पर, मम्मी आती हैं बिनती दाल चावल फर्श पर, पापा आते हैं उतार देते जूते फर्श पर, महरी आती है समेट लेती है सब कुछ अपने बिवाई पड़े हाथों में, और इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्श पर। और इस कविता की लेखिका है निर्मला गर्ग, जिन्होंने हमें हमारे दैनिक जीवन में फर्श का महत्व बताया है। अब बच्चों, इस कविता को अर्थ के साथ समझते हैं। तो जैसा कि हमारी कविता का शीर्षक है फर्श पर, तो अपने घर का फर्श तो आप सभी बच्चों ने देखा ही है। तो आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे जीवन के रोजमर्रा के काम इसी फर्श पर होते हैं। चिड़िया आती है डाल जाती तिनके फर्श पर, तिनके का अर्थ है सूखी घास आदि का छोटा टुकड़ा, तृण। तो चिड़िया जब भी आती है फर्श पर एक छोटा टुकड़ा घास का डाल जाती है। हवा आती है बिखेर जाती धूल फर्श पर, और जब तेज तेज हवा चलती है तो उसी के साथ कुछ धूल के कण भी आ जाते हैं, यानी मिट्टी के कण भी आ जाते हैं, तो कुछ वह भी फर्श पर धूल बिखेर जाती है। सूरज आता है सजा जाता चिंदियां फर्श पर, चिंदियां का अर्थ है छोटे छोटे टुकड़े, यानी धूप के छोटे छोटे चकते इस तरह के। तो आपने बच्चों ऐसे सूरज की आती हुई रोशनी में जरूर देखा होगा कि हवा में बहुत सारे धूल कण तैरते हुए दिखाई देते हैं, तो वो भी धूल कण भी धीरे धीरे फर्श पर गिरते रहते हैं और इसको गंदा करते जाते हैं। लेकिन जब धूप आती है तो वो फर्श पर ऐसे छोटे छोटे धूप के टुकड़ों से फर्श को सजा जाती है। तो आपने भी अपने घर में इस तरह धूप गिरते हुए देखा होगा, जो सूरज की रोशनी से ऐसे हमारे फर्श को चमका जाती है। मुन्ना आता है उलट देता कटोरी फर्श पर, और अगर घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको खाने के लिए कुछ भी कटोरी में दो तो वह तुरंत कटोरी को उल्टा कर देता है और उसमें जो भी सामान होता है वह फर्श पर बिखेर देता है, यानी सब लोग किसी न किसी तरीके से फर्श को गंदा कर देते हैं। एक सूरज ही है जो फर्श को अपनी रोशनी से सजा कर जाता है। तो इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है? इन पंक्तियों के माध्यम से निर्मला जी, यानी इस कविता को लिखने वाली
लेखिका कवयित्री हमारे घर के फर्श के महत्व को बताती हैं। वे कहती हैं कि फर्श हमारे रोज की दिनचर्या का हिस्सा है। वे बताती हैं कि चिड़िया आती है और तिनके फर्श पर डालकर चली जाती है। जब भी हवा चलती है तो वो अपने साथ धूल को भी फर्श में बिखेर जाती है। सूरज अपनी किरणों से रंगीन कागज सी चिंदियां फर्श पर सजा देता है। घर का छोटा बच्चा मुन्ना भी फर्श में खेलता है और कटोरी उलटकर भाग जाता है। तो निर्मला जी कहती हैं कि फर्श में ही हमारा जीवन बीत जाता है और ऐसे रोजमर्रा के काम हम हर रोज करते हैं। मम्मी आती हैं, बिनती दाल चावल फर्श पर, बिनती यानी चुनती हैं। दाल चावल में अगर कोई कंकड़ है या कोई घास का तिनका है तो उसको चुनती हैं, यानी उसको अलग करती हैं, साफ करती हैं। तो फर्श पर बैठकर ही वो सब काम करती हैं। पापा आते हैं, उतार देते जूते फर्श पर। पापा भी जब अपने काम से थके हारे लौटते हैं तो फिर अपने जूतों को फर्श पर ही उतारते हैं। मेहरी आती है, मेहरी का अर्थ होता है काम करने वाली। तो जब मेहरी आती है तो वो सब समेट लेती है सब कुछ, जो भी सामान बिखरा हुआ था, जो भी कचरा बिखरा हुआ था, उसको सब वह समेटती है अपने बिवाई पड़े हाथों में। बिवाई क्या होती है? पांव की चमड़ी का फटना या पैर की एड़ियों में दरार पड़ना। तो बच्चों आपने इस तरह की फटी हुई एड़िया देखी होगी, तो उसके हाथों में ऐसी ही बिवाई पड़ी रहती है, यानी उसके हाथ भी थोड़े कटे फटे रहते हैं। तो वह अपने कटे फटे हाथों से रोज इस फर्श की सफाई करती है और इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्श पर। तो यहाँ पर बच्चों ये बात क्यों कही गई है कि वह मेहरी हर रोज एक कविता फर्श पर लिखती है? इसका अर्थ समझने के लिए, कविता लिखना यानी कविता एक कोरे कागज पर लिखी जाती है ना, और जब हम पूरी कविता लिख लेते हैं तो वह कागज पूरी तरह भर जाता है, और जब हमें नई कविता लिखनी हो तो हमें फिर से एक कोरा कागज चाहिए, है ना। तो ऐसे ही मेहरी हर रोज हमारे घर में आकर फर्श की सफाई करती है, लेकिन अगले दिन हम फिर उस फर्श को गंदा कर देते हैं। तो वह हर रोज वही काम आकर करती है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्श पर, क्योंकि मेहरी का काम हर रोज उसी फर्श को उसी जगह पर साफ करना होता है। जैसे हमें कविता लिखने के लिए हर बार एक कोरा कागज चाहिए, वैसे ही मेहरी को भी हर रोज वही फर्श चाहिए। तो इन पंक्तियों का भावार्थ है, इन पंक्तियों के माध्यम से निर्मला जी हमारे घर के फर्श के महत्व को बताती हैं। फर्श हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है, क्योंकि हमारे सुख दुख में भी फर्श का विशेष महत्व है। हमारे घर के सारे दुख हो या खुशियां हो, वो सारे काम हमारे इसी फर्श पर होते हैं। निर्मला जी कहती हैं कि हमारी मम्मी फर्श पर आराम से बैठकर दाल चावल सब साफ कर लेती हैं। पापा जब काम से थके हारे आते हैं तो फर्श पर जूते उतारकर बैठ जाते हैं। जब काम करने वाली यानी सफाई करने वाली आती है तो अपने कटे फटे हाथों से वह सब समेटकर साफ करती है। इस तरह से हर रोज वह फर्श पर एक नई कविता लिख जाती है, अर्थात फर्श फिर से निर्मल स्वच्छ हो जाता है। जैसे कविता लिखने के लिए एक कोरा कागज तैयार है, वैसे ही कल जब मेहरी फिर आएगी तो वह ऐसे ही साफ सफाई का काम फिर से करेगी। तो इस पूरी कविता का सारांश एक बार पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कविता फर्श पर कवयित्री निर्मला गर्ग जी के द्वारा रचित है। इस कविता में निर्मला जी ने हमारे घर के फर्श के महत्व को बताया है, जो हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा है। हमारे जीवन के सुख दुख के सारे अनुभव इसी फर्श पर गुजरते हैं। कभी इस पर चिड़िया तिनके डाल जाती है तो कभी हवा अपने साथ धूल बिखेर देती है। मुन्ना भी कटोरी को उल्टा कर गंदगी करता है। मम्मी इस पर दाल चावल चुनती है। पापा अपने जूते फर्श पर ही रख देते हैं। काम वाली रोज आकर फर्श को साफ करती है और सारी गंदगी भी समेट लेती है। तो इस तरह इस कविता में काम करने वाली बाई की भी महत्ता को निर्मल जी ने कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, जो हर रोज उसे साफ करती है और इस तरह से हर रोज वह फर्श पर एक नई कविता लिख जाती है।
अर्थात फर्श फिर से स्वच्छ व निर्मल हो जाता है। जैसे नई कविता लिखने के लिए कोरा कागज चाहिए, वैसे ही अगले दिन की दिनचर्या करने के लिए मेहरी फर्श को साफ कर देती है। अभी बच्चों आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है कि इस कविता की कवयित्री का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग दो में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।